शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे क्या एक बार फिर साथ आने वाले हैं? इस पर चर्चाएं कई बार हुई हैं, संभावनाएं कई बताई गई हैं, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि तर्ज पर राजनीतिक पंडितों ने अब इस संभावनाओं पर बात करना भी बंद कर दिया है। लेकिन एक बार फिर इसकी संभावनाओं पर बात करनी पड़ेगी, इसकी वजह बड़ी है। दरअसल इसके संकेत राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने दिए हैं। शर्मिला ठाकरे ने कहा है कि अगर कोई वहां से ऑफर आता है तो देखा जाएगा। शर्मिला ठाकरे इस वक्त पुणे दौरे पर है। इस दौरे के दौरान पत्रकार ने उनसे जब पूछा कि आदित्य ठाकरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो शर्मिला ठाकरे ने इस पर आदित्य ठाकरे को शुभकामनाएं दी और इसकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करने की बात भी कही। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में बड़ी फूट पड़ गई। शिवसेना के 55 में से 44 विधायक के शिंदे गुट में जाने और 18 लोकसभा सांसदों में से 12 शिंदे गुट में शामिल हो जाने और राज्य में सरकार के बदल जाने के बाद उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अपनी तरफ से पहले ही यह बयान दे दिया है कि महाविकास आघाड़ी कोई स्थायी गठबंधन नहीं है। ऐसी स्थिति में वैसे भी आघाड़ी को बचाने से बड़ी लड़ाई उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को बचाने की है। ऐसे समय में शर्मिला ठाकरे के बयान ने नई चर्चाओं के तूफान को बढ़ा दिया है। पुणे में एमएनएस के कार्यक्रम गणपति आमचा कीमत तुमची 2022 का उद्घाटन शर्मिला ठाकरे के हाथों से ही हुआ। हालांकि इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक टीका टिप्पणियों से अपनी दूरियां बनाए रखी। फिर भी उनसे यह पूछा गया कि ठाकरे बंधुओं के साथ आने की क्या संभावनाएं हैं। जवाब में शर्मिला ठाकरे ने कहा अगर प्रस्ताव आता है तो उन्हें आने दे। साथ ही एक अन्य सवाल के जवाब में शर्मिला ठाकरे ने जवाब दिया कि मेरे पति के हाथ में सत्ता आएगी तो राज्य में सड़कें बेहतरीन होगी, ऐसा मुझे लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।